अब हमें नींद में जलने की आदत है, कह के बच निकलेंगे पार्टनर। उनको भरोसा नहीं हुआ तो? पहले हम अपने दोस्त पुलिस वाले को भरोसा दिलाएंगे, वो घर वालों को भरोसा दिला देगा। देखो वो आ गया। क्यों बे, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? क्या है कि सर, हम दोनों को नींद में चलने की आदत है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सर जरा आपको हमारा साथ देकर हमें बचाना पड़ेगा। दोनों को नई आदत कब से पड़ी? बस 15 मिनट से। यानी 15 मिनट पहले ही आपको बताना चाह रहा था, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। चलो सो जाओ। गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम सर। हाँ, सोने के बाद बैड ड्रीम्स ना आए, ध्यान रखना। चुप चुप। कोई देखेगा तो स्लिप वॉक बोल देंगे, तब तक ऐसे चलते रहेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हे बालाजी, वो डायमंड मिल जाए तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। मुझे जरूर मिलेगा वो डायमंड। अरे बाप रे, चलो ध्यान से चलो। हे बालाजी, हे भगवान, अगर ये मुझे कुछ नहीं करेगा तो मैं तिरुपति आकर तेरे दर्शन करूंगा। रुको, रात को 2 बजे किधर घूम रहे हो? ए, किसको पूछ रहा हूँ, इधर हो जाएगा शीशा है। ए, बात क्यों नहीं करते, क्या होगा इनको? स्लीप वॉक। स्लीप वॉक? हाँ, स्लीप वॉक, स्लीप वॉक। मतलब नींद में चलने की आदत है? समझ गए ना, स्लीप वॉक ही है। ए, इधर स्लीप वॉक नहीं होता, स्लीप डेथ होता है। दरवाजा लगा के चुपचाप सो जाओ, समझाओ। ये तो अभी भी नींद में है। ये तो एकदम ही पागल है। रुको, एक्टिंग बहुत हो गई, अब वापस आ जाओ। अरे बाप रे, हम एक्टिंग कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? नहीं तो अब तक हालत बिगड़ गई होती। क्या एक बार और ट्राई करोगे? नहीं बॉस। क्यों? डायमंड से प्राण बहुत कीमती है, हम जान गए। लगता है हमें यहाँ किसी ने नहीं पहचाना। अब हमें जिंदगी में कोई चोर नहीं कहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। क्या बात है? ये लोग सगाई इतनी धूमधाम से कर रहे हैं तो शादी में कितना खर्च करेंगे? सर, बिहार के लोग कितने पागल हैं। और तुम भी। ये सगाई नहीं है, बल्कि सगाई और शादी का मुहूर्त तय किया जा रहा है। तो ये बात है, इतनी बड़ी शादी को देखकर हम बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। देखने के लिए तुम रहोगे तब ना? क्या मतलब, खूब शादी वादी देख के उनके दिए हुए तोहफे वगैरह लेकर हाथ आए सामान को उठाकर हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे सोचा था। तुम पहले जाओ, सब कुछ लेके मैं बाद में आ जाऊंगा। बाप रे, अचानक ऐसे जाने को कहेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ सोचा आपने? गाड़ी में यहाँ से जाने के लिए बर्थ नहीं है, रोड जर्नी कितना रिस्की है अपनी आँखों से देखा था आपने। आप हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जाने में ज्यादा रिस्क रहेगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसमें बहुत दम है, ये कुछ भी से सबको मार दूंगा। उसे मार दे। क्या दूल्हे राजा को? मैं दूल्हे को मार दूंगा तो उस लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन? ऐसे टाइम में मजाक क्यों करते हो भाई? वहाँ बड़े बुजुर्ग शादी का मुहूर्त तय कर रहे हैं। शादी मैं ही करूंगा। कंफर्म बोलता है। तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम्हें ट्रेन में जाने से परेशानी है बोल रहा था, उल्टियाँ भी होती है ना? बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए किसी ट्रैवल वाले को पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट बस में चले जाएंगे, वो भी वीडियो कोच में। चल रात को चढ़ते हैं। हाँ सर, आप बड़ी खुशी से शादी करके और दुल्हन को लेकर जंप है। चलो जी। लो, आज से अर्चना आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। ये इसकी खुशकिस्मती है। दीदी, तुम्हारे गले में 20 लाख का डायमंड पड़ने पर ही कुंडलियाँ मिली हैं। अब तुम्हारे दिलों को मिलाने के लिए कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? 20 लाख बहुत होते होंगे। सफर कैंसिल करेंगे तभी मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे लफड़ों से डर लगता है, कहीं हम लोग फंस गए तो। 20 लाख आएंगे तो लफड़ों से दूर हो जाएंगे ना। हाँ, नमस्ते। क्यों, अभी तक निकले क्यों नहीं? हम कैसे जाए बताओ, तुम्हें अकेला छोड़ के, वो भी दुल्हने को साथ लेकर जाने की जो सोच रहा हो उसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं भला, बोलो? बेशर्मों की तरह। हाँ, तो ये सोच कर रुक गए तुम? क्यों नहीं सोच सकते हम? आप यही लड़की क्या, शादी में आई सारी लड़कियों को लेकर जाओगे तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे? आपकी हिम्मत देखी है, आपकी दिलेरी भी देखी, इसीलिए वापस आ गए। मतलब इतनी मेहनत करके डायमंड की वैल्यू पता की तुमने? हाँ, तो पता चल गया 20 लाख की क्या वैल्यू होती है। उस पर नजर भी डाली तो फाड़ दोगे ना? सब लोग सुनो, पंडित जी ने सगाई और शादी का डेट फिक्स किया है। नेक्स्ट वीक बुधवार को सगाई, गुरुवार को शादी। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है दीदी, और अब पछता रही हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी, अपनी जिद को छोड़ के आने वाले कल के बारे में सोचोगी तो खुश रहोगी दीदी। क्या बक रही हो,
सब जानती हूँ दीदी, मन कहीं है और तुम कहीं। क्यों दीदी तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही हो? जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में है, सही वक्त पर सही फैसला लोगी तो हम सब खुशी से जी सकते हैं दीदी। सच दीदी। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। हेलो अंकल, मैं चिंटू। चिंटू हमें यहाँ से ले जाइए अंकल, प्लीज अंकल। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो अंकल, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। नई जगह है ना, ऐसे ही होता है। हम यहाँ छुप के आपको फोन कर रहे हैं अंकल, आप हमारे लिए ना सही, हमारी दीदी जो आपसे बहुत प्यार करती है उसके लिए ही सही, आकर हमको ले जाइए। क्या हुआ, ठीक से बताओ प्लीज अंकल। दीदी डैडी के खातिर ये शादी करने को राजी हुई थी, लेकिन वो असल में आपको ही चाहती थी। हेलो 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 हेलो, क्या करने की सोच रहे हो? सुनो, दोस्ती की खातिर प्यार का बलिदान देना आसान है, लेकिन प्यार में दोनों की बलि चढ़ा देना बड़ा मुश्किल है। तुम दोनों के बीच प्यार है या दोस्ती है, वो तुम दोनों को ही सोचना है। कार इतनी मेहनत से चुराई किस लिए? पार्ट्स अलग अलग करके कबाड़ी बाजार में बेचने के लिए, न कि स्टेशन में आके झक मारने के लिए। बाजार तक ले जाने के लिए टैंक में डीजल होना चाहिए ना। अबे जब हमारे टैंक में डीजल नहीं है तो इसमें कहाँ से डाले बोल। भैया तेजपुर चलोगे? तेजपुर वो कहा भाई, मुझे नहीं मालूम तेजपुर जाने में क्या दिक्कत है। मैं नहीं जाता। जा हेलो विल यू गो टू तेजपुर? व्हाई नॉट, आई स्पीक बिहार टाइप इंग्लिश। वो भी टूटी फूटी बोलता है। चल रहे हो ना? दांत तोड़ दूंगा। सुन मुझे लगता है ये बकरा फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, अभी यही तो बकरा है। तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते। नहीं, दोनों मिलकर ड्राइविंग करते हो? मैं ड्राइवर, ये ओनर। मैं ओनर नहीं, पार्टनर। नाम क्या है? चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराज, ये तो किसी क्रिमिनल का नाम है। कम ए कम आउट। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आजा बेटा, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। गले में जो चेन है वो निकालो, जेब में जो पर्स है उसका कैश निकालो, कार में जो बैग है उसमें भरा हुआ माल बाहर निकालो। निकाल रहे लगता है। दे 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 दे। ये क्या है? खुद ही देख लो। क्या हुआ बे? अरे बाप रे भैया, ये गन कब सौंप दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ लो। और इस तरह हमने चोरी का प्लान बनाया, लेकिन कोई भी हमें चोर नहीं समझता। अब आप ही बताइए सर, हम लोग चोरी है ना सर? नहीं है, इसीलिए तो कुछ नहीं बचा। गाड़ी कहाँ से उड़ा के लाए हो? लाए तो मगर बेकार है, पुलिस स्टेशन में सौंप देंगे। चलो अब तो पकड़े गए हो तुम लोग, अब तेजपुर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? पटना में पूछा था तो रात के 9:30 बजे पहुँचोगे बोला था। यहाँ तो दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है, और अब तो रात हो गई है।